दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सप्लेनेशन थेरेपी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी पे जिसमें अनबॉर्न सोल्स यानी कि ऐसी आत्माएं जिन्होंने अभी तक जन्म नहीं लिया है, उनको 9 दिन की एक इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ताकि वो जन्म ले सके। ये फिल्म 2021 में जुलाई में रिलीज़ हुई है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एडसन ओडा ने। इस फिल्म को IMDb पे 7.2 की रेटिंग मिली है, जिसको मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ और पर्सनली मुझे ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगी। इस फिल्म का सेटअप एक फैंटेसी वर्ल्ड में है, जहाँ पे कुछ ऐसी आत्माएं जो पहली ज़िंदगी जी चुकी है वो अनबॉर्न सोल्स को 9 दिन तक परखती है और उन्हें ठीक लगने पर उन्हें अर्थ पे ज़िंदगी जीने का एक मौका मिल जाता है, और जो अनबॉर्न सोल्स रिजेक्ट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ज़िंदगी मिलने वाली आत्माओं को जन्म लेने पर इस इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में या इस दुनिया में बिताए गए समय पर कुछ भी याद नहीं रहता। इस फिल्म के शुरुआत में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है विल से। विल एक ऐसा सोल है जो पहले ज़िंदगी जी चुका है और मरने के बाद बाकी सोल्स को इवेल्युएट करने का काम कर रहा है। विल अपने घर में छोटे छोटे टीवी पे उन लोगों को देख रहा है जिन्हें उसने इस इंटरव्यू प्रोसेस में पहले पास किया था। इन सब लोगों में उसकी फेवरेट अमांडा थी, जो कि एक सक्सेसफुल वायलिनिस्ट बनी थी और उसका जल्द ही एक बड़ा कॉन्सर्ट था। तभी घर की बेल बजती है और क्यो आ जाता है। क्यों विल की घर के काम में हमेशा मदद करता है। अभी विल अपने काम में बिजी हो जाता है, तभी क्यों की नज़र अमांडा की टीवी स्क्रीन पर जाती है और वो पाता है कि अमांडा बहुत तेज़ी से कार चला रही है और उसी दौरान अमांडा की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ये देख के विल को बहुत दुख होता है और वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। अमांडा के मरने के बाद उसके टीवी की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अब अगले दिन विल के घर कुछ नई आत्माएँ आती है उस खाली जगह को भरने के लिए। विल उन्हें कुछ बेसिक से सवाल पूछता है और उन्हें इस प्रोसेस के बारे में बताता है। इस प्रोसेस में हर कैंडिडेट को विल के साथ 9 दिन गुजारने हैं और विल उन्हें ऑब्जर्व करेगा और ये डिसाइड करेगा कि उन्हें ज़िंदगी जीने का हक है या नहीं। इसके बाद विल उन्हें एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बताता है जिसमें कैंडिडेट और उसका 11 साल का बेटा निक एक वॉर प्रिजन में बंदी है। अगले दिन निक भागने की कोशिश करता है बट पकड़ा जाता है। अभी जेलर बहुत गुस्सा होकर उसको फांसी पर चढ़ाता है और उस कैंडिडेट को निक की कुर्सी खींचने बोलता है। अगर कैंडिडेट वैसा नहीं करता तो जेलर सारे प्रिजनर्स को मार देगा। अब इस पे विल को कैंडिडेट से अलग अलग जवाब मिलते हैं। कुछ लोग उसे बचाना चाहते हैं तो कुछ लोग उसे मारना चाहते हैं। अब उस रात एक और कैंडिडेट आती है जो कि बहुत लेट थी। उसका नाम था एमा। एमा सबसे अलग थी। विल ने उसको सेम सिनेरियो दिया था बट एमा उसे उल्टे सवाल करने लगती है, जैसे कि जेलर निक को क्यों मारना चाहेगा। विल के इंसिस्ट करने पर भी एमा आंसर नहीं करती। अब अगले दिन से विल सारे कैंडिडेट्स को एक नया टास्क देता है जिसमें उन्हें टीवी के सामने बैठकर ऑब्जर्व करना है और नोट्स बनाने हैं। कुछ दिन बाद ये करने पर माइक, जो कि बहुत डिप्रेस था किसी कारण से, इस प्रोसेस से बाहर हो जाता है और विल उससे उसने देखा हुआ सबसे बेस्ट मोमेंट पूछता है ताकि वह माइक को एलिमिनेट करने से पहले उस मोमेंट को जी सके। विल अब इसकी प्रिपरेशन करने लगता है और एमा मदद करने लगती है। दोस्तों, विल अमांडा के मौत से बहुत परेशान था और वो उसके टेप्स बार बार देखता था। इसी वजह से क्यों विल से मिलने के लिए पास के एक इवेल्युएटर को बुलाता है, क्योंकि उसने अमांडा के कज़िन को जन्म लेने के लिए चुना था। अमांडा के मौत के तुरंत बाद विल को टेप दिखाती है जिससे पता चलता है कि अमांडा ने अपने एक्सीडेंट से पहले सुसाइड नोट छोड़ा था। ये देखकर विल को बहुत गुस्सा आता है और वो ये बात हजम नहीं कर पाता। दरअसल अमांडा किसी कारण से डिप्रेस थी बट वो हमेशा खुश दिखती थी। उसका मानना था कि वो हमेशा अच्छे और लायक कैंडिडेट्स को मौका देता है पर बाकी इवेल्युएटर्स बुरे कैंडिडेट्स को चुनते हैं, जिसके कारण हमेशा उसके कैंडिडेट्स के साथ बुरा होता है। इसीलिए विल हमेशा टफ डिसीजन लेने वालों को ही चूज़ करता था। एमा क्यों को विल के बारे में पूछती है तो क्यों बताता है कि विल बहुत ही अच्छा इंसान था पर ज़िंदगी में उसके साथ बहुत बुरा हुआ था और वह अकेला पड़ गया था। विल खुद एमा को बताता है कि वो एक थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहता था पर कभी अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाया। अब कुछ दिन बाद कुछ और कैंडिडेट्स एलिमिनेट हो जाते हैं। ऐसा करते करते आखिर में दो ही कैंडिडेट्स बचते हैं, केन और एमा। एमा बहुत ही लापरवाह थी और वो लोगों में हमेशा कुछ अच्छा देखती थी, बल्कि केन उसका एकदम अपोजिट था। केन पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी है और दुनिया में बुराई के खिलाफ लड़ने का संकल्प करता है। इसी कारण से विल आखिर में केन को चूज़ करता है। जब विल एमा को उसके बेस्ट मोमेंट के बारे में पूछता है तो पेपर पे कुछ ऐसा लिखती है जो विल पूरा नहीं करता।
एमा फिर एक आखिरी अनुभव को अस्वीकार करके जब तक वो गायब नहीं हो जाती तब तक वो रेगिस्तान में चलने का ऑप्शन चुनती है। बाद में विल को एमा का एक नोट मिलता है जहाँ वो उसे थैंक्स बोलती है और बताती है कि उसने इस प्रोसेस में बहुत ही अच्छी यादें कलेक्ट की है। विल अब अफसोस महसूस करते हुए एमा के बाद रेगिस्तान में दौड़ता है। एमा से मिलने के बाद विल वॉल्ट विटमैन के सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लाइन्स गाता है और एमा को आखिर में थैंक्स बोलता है। यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। बट दोस्तों, इस मूवी से जुड़ी कुछ थेरीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। थेरी डिस्कस करने से पहले मेरी अपने व्यूवर्स से एक गुजारिश है कि प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा। तो चलते हैं अपने थेरीज की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इस मूवी का सेटअप एक फैंटेसी वर्ल्ड में है, तो इस फैंटेसी वर्ल्ड का टाइम अपने रियल वर्ल्ड से बहुत ही अलग है। इस फैंटेसी वर्ल्ड का एक दिन रियल वर्ल्ड के 9 मंथ के बराबर है। इस थियरी को प्रूव करने के लिए आप अमेंडा के डेथ का एग्जांपल ले सकते हैं। मूवी के शुरुआत में अमेंडा की डेथ हो जाती है और ठीक उसके डेथ के बाद कैंडिडेट्स आना शुरू करते हैं। इन कैंडिडेट का इंटरव्यू प्रोसेस 9 दिन का होता है और ठीक 9वें दिन हम अमेंडा के टीवी स्क्रीन पर देख पाते हैं कि कोई बच्चा जन्म ले रहा है। तो ये थी मेरी फर्स्ट थियरी। सेकेंड थियरी में हम बात करेंगे विल के बारे में। विल जानबूझ के खाना नहीं खाता क्योंकि उसे लगता है कि खाना खाने से उसे ज़िंदा होने का एहसास होगा। इसके भी कई एग्जांपल है, जैसे कि एमा उसको फूड ऑफर करती है बट वो रिफ्यूज़ कर देता है। ऑल्सो विल एलेक्स के साथ बियर पीने तो बैठ जाता है बट बियर नहीं पीता। आप इस सीन में ऑब्जर्व कर सकते हो बियर के बॉटल का कैप बंद ही है। तो ये थी मूवीज से जुड़ी कुछ थियरीज। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।